हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मतलब हमने अभी तक मतलब दो तीन चैप्टर तीन चैप्टर जो है कवर करते हुए आ रहे हैं। पिछला जो चैप्टर है उसके दो तीन लेक्चर बचे हैं और अभी जो चल रहा है वो चैप्टर जो है हमारा एनिमल टिश्यू, उसके भी मतलब कंपाउंड एपिथेलियल और उसके भी 5-6 लेक्चर में वो कवर हो जाएगा। तो आज का जो मतलब मैंने जो वीडियो बनाई है वो एक सेपरेट टॉपिक पर बनाई है। कौन सा टॉपिक है जो हमें नीट 2024 में गलतियाँ नहीं करनी है। कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो हम बार बार दोहराते हैं और इसकी वजह से हम ड्रॉप लेते हैं या कोई भी मतलब हम एक फेलियर की तरह मतलब बन जाते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो ऐसे मतलब मैंने बहुत से लड़के देखे जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साल तक ही ड्रॉप लेते हैं। मतलब मेरे जो कांटेक्ट में है उसी में से कोई बच्चे जो है वो अभी तक ड्रॉप ले रहे हैं। मतलब मतलब उनकी जो हाँ ठीक है उनका मतलब जोश होता है हाँ इस साल हम फोड़ देंगे, बट क्या गलतियाँ हैं, ड्रॉपर क्या करते हैं, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो वो हर रिपीट में हर ड्रॉप में बार बार दोहराते हैं। तो आज के लेक्चर में मतलब आज की जो वीडियो है उसमें हम बता देंगे कि कौन सी गलतियाँ हैं जो हम 2024 में अवॉइड करेंगे। फर्स्ट थिंग्स ये कि हम जो है मल्टीपल मेंटर जो है वो अवॉइड करेंगे। पहली जो बात है, हम यूट्यूब पे पढ़ते हैं या कोई फिजिक्स वाला है उसके बाद अन एकेडमी है, ऐसे बहुत सारे ऑनलाइन अभी मतलब प्लेटफॉर्म है। तो किसी एक से एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़ना, मेरी बात अच्छे से सुनना, जिसे भी मतलब बहुत टीचर है हमारी जो यूट्यूब है यूट्यूब से ही देखो। सिप पाउजा मैम है, उसके बाद रक्षिता सिंह मैम है, उसके बाद हमारी वो बहुत सारे टीचर है जो अभी मतलब यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं। बस उनमें से मतलब हाँ सिप पाउजा मैम अच्छी सिखाती है, अच्छी पढ़ाती है, आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है तो उनको ही फॉलो करना। या मतलब कुछ कुछ बच्चे जो है वो मेरे को फॉलो कर रहे हैं तो मैं अच्छी पढ़ाती हूँ, मेरे से आपको ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है तो मुझे फॉलो करना। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी और को फॉलो करो या मुझे फॉलो करो, ऐसा नहीं है। आपको जहाँ से अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी उसे ही आप फॉलो करना। ये देखो हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, हम कहते हैं कि हाँ अभी 10 मंथ बचे हैं हमारे नीट के लिए, बट जो होता है ना देखो अब हमारी जो नीट की एग्ज़ाम थी 7 मई को थी, 1 मंथ तो वैसे भी बीत गया और कुछ भी समझ नहीं आया। हाँ हमारा रिजल्ट आया और हमें अब काउंसलिंग करनी है। जो बच्चे हैं ना कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि काउंसलिंग कर लेते हैं तो उसके बाद वो काउंसलिंग के बाद सोच लेते हैं, जब 4-5 मंथ रह जाते हैं हाँ हमें तब रिपीट करना है ड्रॉप करना है। ऐसा ना करना, आपको जब मतलब हाँ एक हाई लेवल का कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ इस साल मेरे होने वाला है तो आप अपने मतलब जो है जर्नी इंजॉय जो है स्टार्ट करने मतलब जो है मतलब आपकी डेली लाइफ का जो इंजॉय है या आपको मतलब हॉलीडे मनानी है तो मनाना। अगर आपको ड्रॉप लेना है, अगर आपको मतलब ऐसा होता है ना एक पीक लेवल पे आप जाते हो और तभी लगता है कि हाँ यार मैं मतलब ड्रॉप इस साल लेना चाहिए, तो अभी से वो सोचना कि आपको ड्रॉप करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो अभी से सोचते हो तो ज़्यादा बेटर होगा। और दूसरी बात, हम जो मैं कह रही थी कि मतलब जो है ना कौन सी मिस्टेक जो है 2024 में नहीं करनी चाहिए, अवॉइड द मतलब मल्टीपल मेंटर्स, मल्टीपल जो मतलब एक ही मेंटर को फॉलो करना, कोई भी होगी एक को ही फॉलो करना, ठीक है। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आप फिजिक्स वाला को फॉलो करते हो, अन एकेडमिक पे भी करते हो और हमारे यूट्यूब पे भी करते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर टीचर का हमें मतलब हर टीचर का लेक्चर हमें लेना ही चाहिए। जिसे भी टीचर का लेंगे आप उसके ही ढंग से नोट्स बनाना, अपने मतलब अपने सेल्फ से रिविजन करना, कोई भी वीक टॉपिक हो तो आपको उस टॉपिक से मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई टॉपिक जो है किसी टीचर से नहीं समझ में आता तो आप दूसरे उसी टॉपिक के लिए दूसरे टीचर को फॉलो करना। बट जो है
एक ही टीचर को फॉलो करना, ठीक है। ज़्यादा टीचर को फॉलो करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। कोई जो टीचर है 2 घंटे का लेक्चर लेता है, कोई जो है वो 1/2 घंटे का, 1.5 घंटे का, ऐसे आपको सिर्फ आप अभी लेक्चर ही करते जाओगे, आपकी रिवीजन जो है वो पीछे छूट जाएगी। उसके बाद सेकेंड जो चीज़ है वो ड्रॉपर, मतलब आपके ड्रॉप ईयर में करते हैं या 11th 12th वाले भी बच्चे इसी में अटक जाते हैं। तो वो क्या चीज़ है, वो जो है हम जो है पढ़ते समय जो है हम जब बायो का पढ़ लेते हैं तो बायो के मतलब बहुत सारे बुक्स है जो बच्चे फॉलो करते हैं। हमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है अभी, मतलब हमारे एनालिसिस से क्या डिटेक्ट किया जाता है कि हमारा जो बायो का पेपर है, बायो का तो छोड़ो, हमारे केमिस्ट्री का और फिजिक्स का भी ले लो, हमारे बायो का जो पेपर है वो एग्जैक्टली एनसीईआरटी से उठकर आ रहा है। अभी जो है एग्जैक्टली एनसीईआरटी से उठकर आ रहा है, तो आप अदर बुक को क्यों फॉलो करते हो, यही मुझे समझ में नहीं आता। कोई कहता है कि हाँ दीदी हम ये बुक पढ़ रहे हैं, हम वो बुक पढ़ रहे हैं, हम ये बुक लगा रहे हैं, वो बुक, ऐसा नहीं है। आप एनसीईआरटी से ही पढ़ना। हाँ माना मैंने एनसीईआरटी की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, उसके लिए आप मॉड्यूल का भी सपोर्ट लेना, बट ज़्यादातर आप एनसीईआरटी ही करो, एनसीईआरटी पे फोकस रहो। एनसीईआरटी में कुछ वर्ड्स है, मतलब कुछ है ना सम, मतलब ऐसा होता है कि सम अलगी आर ऑकस इन मराइन वाटर, और मतलब सम रहता है और किसी पे मैनिली रहता है। ये वर्ड जो है वो हमारे जो मतलब नीट का पेपर जो है वो उसी पे फोकस रहता है, बट अल्सो सम मैनिली मोर ऐसे जो है वो डिफरेंट वर्ड जो है वो एनसीईआरटी से, मतलब हमें टाइम लगता है उनको, मतलब जब चीज़ें हैं हमें एनसीईआरटी से समझ में टाइम लगता है, लगने दो, एक बार में समझ में नहीं आएगा। आप जब 11th में हो ना, कोई बच्चे जो है वो मुझे 11th से भी फॉलो करते होंगे, ठीक है, तो जो 11th वाले जो बच्चे हैं, एक बार मतलब सिखाने से पहले आपके टीचर, आपके ट्यूशन जो है वो मतलब स्टार्ट होने से पहले, हमारे जो 11th और 11th की एनसीईआरटी है ना वो सिर्फ एक बार ओवरलुक करना, आपको जो इम्पोर्टेंट वर्ड लगता है ना वो सिर्फ अंडरलाइन करना, एक पेंसिल से रफ अंडरलाइन करना वही पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपका जब चैप्टर, मतलब सेकेंड टाइम में जब आप लेक्चर करोगे तो लेक्चर के साथ साथ ही वही टॉपिक फिर से एक बार रिवाइज करना। लेक्चर से बात हो गया, ऐसे 4 से 5 लेक्चर जो है वो खत्म होने के बाद फिर से एक बार एनसीईआरटी लेना और फिर से रिवाइज करना। और उसके बाद जो है हमारा जो चैप्टर जब खत्म होता है तो उसके बाद आप एनसीईआरटी 2-3 बार एक बार ऐसे रीडिंग मार देना, और उसके बाद अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेना, ठीक है, अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेगा। कोई भी पॉइंट आपको नोट से इंपॉर्टेंट लगता है, आप भूल जाते हो, तो वो पॉइंट जो है हमारे एनसीईआरटी में मेंशन करना, ठीक है। तो यही सब है जो सेकंड हम मिस्टेक करते हैं कि मल्टीपल बुक्स फॉलो नहीं करनी। फर्स्ट मैंने बताया कि मल्टीपल मेंटरशिप नहीं करनी, एक से ज़्यादा टीचर को फॉलो नहीं करना। हाँ, आपको किसी टॉपिक में जो प्रॉब्लम आता है, हाँ मैं पढ़ा लेती हूँ, बट मेरे से मतलब किसी को एक आधा टॉपिक जो है वो समझ में नहीं आता, ठीक है, मैं मतलब मेरे से वो गलती हुई होगी कहीं, तो ठीक है, मैं मेरे से मतलब वो टॉपिक क्लियर नहीं कर पाई आपकी मतलब आपके लिए, तो आप मतलब दूसरे टीचर को कोई भी मतलब उसी टॉपिक को मतलब पढ़ सकते हो, बट आप अपने कमेंट में बताना कि मतलब मेरे लेक्चर में क्या कमी है। अभी जो है ना, मतलब मैं लेक्चर लेती जा रही हूँ, आप मुझे बताना कि दीदी ये लेक्चर में ये कम आ रहा है, ये आपने ये पॉइंट जो है वो स्किप किया है, या कई बार ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है किसी लेक्चर से, तो वो भी मुझे बता देना कि उसी लेक्चर से मैं आगे के जो लेक्चर है वो लेते चलूँगी, कि मुझे लेक्चर में क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट है वो ज़्यादा फोकस पे रहना, मतलब जो मैंने बताया है कि मल्टीपल टीचर और मल्टीपल मतलब हमारी जो बुक्स है वो फॉलो नहीं करना। थर्ड पॉइंट ये है कि हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं,
हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, रैंडम ऐसी कौन सी भी बुक मत उठाना कि हाँ जब हम उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और वही क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम में आता है और अगर बाय चांस उस मतलब जो है उस क्वेश्चन का आंसर उस बुक्स में जब इनकरेक्ट होगा तो आपके 4 नंबर से आप लाखों हजारों रैंक तक पीछे आ सकते हो। नीट मतलब जोक नहीं है बच्चों। 22 लाख इस साल स्टूडेंट थे उस कंपटीशन में, रिपीटर हर साल बढ़ रहे हैं, याद रखना ये भी चीज़, ठीक है। तो पहली बात ये कि कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कोई भी मतलब बुक ऐसे फॉलो मत करना, ठीक है। ऐसे बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है वैसे फिजिक्स वाला या अदर कुछ जो है जो टीचर आपको मतलब ऐसा होता है ना, आनंद मनी सर है, रक्षिता सिंह है या अदर कुछ टीचर जो है, बहुत सारे टीचर हैं, मैं उनका नाम मतलब सभी टीचर का नाम लूँगी तो मतलब मुझे मतलब दिन ही नहीं मिलेगा, मतलब दिन मतलब रात हो जाएगी। अभी तो इतने टीचर हैं अभी YouTube पे, वो इतना अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, तो आपको मतलब ज़्यादातर मतलब वैसे तो PYQ पे ही फोकस करना चाहिए। हमारे जो PYQ है मतलब मेरी जो NCERT है, मैं मतलब टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी कि मेरे जो एक चैप्टर देती हूँ, हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये चैप्टर जो है उसकी जो मैं NCERT जो है वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी। तो टेलीग्राम पे अपलोड करके वो देखना कि मैंने उसमें क्या हाईलाइट किया है और क्या नहीं किया है। उसमें जो है मैंने सभी PYQ जो है वो हाईलाइट की है। उसकी वजह से क्या होता है पता है आपको? अभी तो PYQ हाईलाइट नहीं करना, अभी मतलब जब 4-5 मंथ हमारे नीट को रह जाएंगे तब हम ये सब स्टार्ट कर देंगे। तो मतलब मैं सिर्फ डेमो दे रही हूँ आपको कि ऐसे हमें पढ़ना चाहिए। जो PYQ है ना मैंने हाईलाइट करके रखे है, ठीक है। तो PYQ के मतलब वो जो है हमारा जो पेपर जो है नीट का वो ज़्यादातर हमारी PYQ बेसी रहता है। क्या होता है पता है? एक बार तो लैंग्वेज बदल के आती है, वर्डिंग अलग से आती है, बट फॉर्मेट पेपर का, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाता है बट आंसरिंग का नहीं। ये बात याद रखना, हमारा जो सारा का सारा नीट का पेपर है वो हमारी NCERT से ही आ रहा है। मैं आपको बाद में प्रूफ भी दे दूंगी कि ये क्वेश्चन हमारे NCERT से यहाँ से उठ के आया है। मैं कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड कर दूंगी कि इसी लाइन से ये क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब इस साल मैं भी रिपीट ही करने वाली हूँ, मतलब मेरे फिजिक्स में ज़्यादा कुछ नंबर नहीं आया तो इसकी वजह से मैं भी इसी साल रिपीट लेने का सोच रही हूँ। बट मैंने एक्सटर्नल मतलब एडमिशन लिया है कॉलेज में, बिकॉज मेरा ये सेकेंड ड्रॉप होगा कि मैं मतलब नीट के लिए प्रिपरेशन कर दूँगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब इतनी ड्रॉपर हूँ या कोई भी, मतलब कोविड की वजह से मैंने 11th 12th बिल्कुल भी नहीं की थी तो इसकी वजह से मुझे ड्रॉप लेने में मतलब देर लगी, और वैसे भी मतलब कोविड की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा था। बट मैं एक्सक्लूसिव नहीं देने वाली कि हाँ मेरे मतलब हो नहीं रहा, मैंने पढ़ाई की थी, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मतलब रिजल्ट आ जाता है कम, तो ठीक है वो छोड़ो, सब सबकी बात अलग अलग हो जाती है। तो भी मतलब मेरा जो बायो है वो बहुत अच्छा है, मतलब जो मुझे नहीं मतलब पता कि आपको कितने मतलब परसेंट अंडरस्टैंडिंग हुई होगी मेरे लेक्चर से, बट आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम भी आ जाता है तो मुझे कमेंट में प्लीज़ बताना कि दीदी ये प्रॉब्लम हमें आ रहा है इसी वक्त, मैं मतलब उसमें ज़रूर कोई ना कोई मॉडिफिकेशन कर दूंगी, बट ऐसे चुप बैठकर नहीं हो जाता। और आपको जब चैनल मतलब आज का जो मतलब मेरा मोटिव क्या था आज की वीडियो का, कि आपको समझ में आना चाहिए कि आप जब ड्रॉप लेते हो या प्रिपरेशन करते हो तो वो कैसी करनी चाहिए। डोंट फॉलो द मल्टीपल मेंटर एंड डोंट फॉलो द मल्टीपल बुक्स फॉर द नेट एंड मतलब ज़्यादा कोई अलग ढंग से क्वेश्चन ना करना, ठीक है। जो मॉड्यूल्स है उसके क्वेश्चन किए, मतलब हर क्लास का मॉड्यूल अलग अलग रहता है तो उसके भी आप एक्सटर्नल अभी क्वेश्चन लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाँ आप अभी मतलब सिर्फ NCERT, अब जब उसकी लैंग्वेज समझ में आएगी तो आप NCERT ठीक ठाक से पढ़ लेते हो। और फर्स्ट थिंग्स ये
कि पहली मतलब पहली बार किसी को भी NCERT समझ में नहीं आएगी। मतलब NCERT पढ़ने का भी एक तरीका होता है, मैं अगली वीडियो जो है वो NCERT कैसे पढ़ते हैं उस पर अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच टू सपोर्ट मी बच्चों, मतलब आपकी कमेंट्स और आपकी लाइक से मतलब ऐसा लगता है कि हाँ यार मैं अभी भी मतलब कुछ तो कुछ कर सकती हूँ। फैमिली सपोर्ट है, मतलब फैमिली सपोर्ट भी है, भाई का सपोर्ट भी है, बट ऐसा होता है ना कि हाँ लड़की एक एज तक ही सीख लेती है, तो वैसा भी बर्डन घर वाले अभी डाल रहे हैं, तो आपकी कमेंट और लाइक से ऐसा लगता है कि हाँ मैं आज नहीं तो कल कुछ तो कुछ मैं मतलब मेरे लाइफ में कर सकती हूँ। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना आपको पसंद आए तो। एंड थैंक यू सो मच, आपकी सपोर्ट की वजह से मतलब मैं अभी तो गिव अप नहीं कर रही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।